हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं दही भल्ला चाट बनाती हूँ। दही बड़ा और दही भल्ला चाट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, काफी सारे प्रोसीड्यूर इसका सेम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ कप उड़द दाल को मैं 2-3 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब इसको एक स्ट्रेनर के ऊपर रख के इसका पानी को ड्रेन आउट कर लेती हूँ। इसको अब साइड पे रख देती हूँ, तब तक दही को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास अप्रोक्सीमेट 400 ग्राम के आसपास घर में जमाया हुआ दही है। पहले इसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। स्वाद अनुसार मैं यहाँ 2.5 चम्मच पाउडर शुगर डाल रही हूँ, आप कम ज्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी हरी चटनी या धनिया पुदीना का चटनी है, खजूर और इमली का चटनी, कोई मीठा चटनी डाल सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो गया, इसे भी साइड पे रख देती हूँ। दाल का पानी ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो गया है, इसे एक जार पे निकाल लेती हूँ और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। पिसते वक्त अगर जरूरत पड़ी तो ये वाला पानी को मैं यूज कर लूंगी। दाल मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, एक बोल पे निकाल लिया। 2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी देने का जरूरत पड़ी थी पिसते वक्त। थोड़ा सा मिर्च पाउडर दिया, बेकिंग सोडा दिया थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। जितनी देर तक इसे फेंट पाओगे उतना ही अच्छा आपका पकोड़े बनेगा, नरम बनेगा। फेंटना मेरा हो गया है, अब पकोड़े बनाते हैं। तेल मेरा गरम हो गया है बिल्कुल, अब पकोड़े डालती हूँ। दही बड़ा के लिए छोटे छोटे पकोड़ा डालना ही ठीक होता है, पर जब भल्ला बनाना हो तो पकोड़े का साइज थोड़ा सा बड़ा होने में देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा साइज का ही पकोड़े मैं डालती हूँ। एक बार में जितना आएगा उतना ही डाल देती हूँ। इस समय फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है, बाद में और लो कर दूंगी। 3 पकौड़े को मैं फ्राई कर लेती हूँ। पकौड़े मेरा फ्राई हो गया है, इस समय फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ, नहीं तो पकौड़े बहुत ज़्यादा तेल पी के बैठा रहेगा। अब इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ और साइड में मैं एक कंटेनर में पानी रखा, डायरेक्ट उसे पानी के अंदर डाल देती हूँ। पकौड़े को कम से कम 1/2 आवर के लिए इसी पानी के अंदर मैं छोड़ देती हूँ, जिससे ये अच्छी तरह से पानी पी ले। 1/2 घंटा हो गया, पकौड़े का कलर भी चेंज हो गया, अच्छी तरह से इसने पानी पी लिया। 3 पकौड़े मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, पानी निचोड़ लेती हूँ, बाकी को पानी में ही छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद बना लूंगी। अब इसके ऊपर खूब सारा दही डालती हूँ, जिससे सारे पकौड़े अच्छी तरह से दही के अंदर डूबा रहे। अब इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेशन तो जितनी मर्जी आप डेकोरेशन करो। कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करती हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला, पतले स्लाइस में काटी हुई बीटरूट, गाजर, शिमला मिर्च, अनारदाना, नमकीन बूंदी, सेब, थोड़ा सा हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर ऊपर से डाल देती हूँ। मन ही नहीं भरता इसको डेकोरेट करने के, थोड़ा सा अनारदाना और डाल देती हूँ। तो बस मेरा बन गया दही भल्ला चाट। चाहे तो आप अभी खाइए या तो फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा करके इसे खाइए। मेरा दही भल्ला चाट बनके तैयार है। अगर पसंद आई मेरी रेसिपी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो उनको थैंक्स फ्रेंड टाइम निकल के मेरे वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।